नमस्कार साथियों, दृश्यम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं ओंकार यादव फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी विषय के अंतर्गत एक नए टॉपिक को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि के प्रकरण में हम संधि को विस्तृत रूप से समझेंगे, क्या संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार हैं, किन किन भागों में इनको वर्गीकृत किया गया है, क्या क्या इनके नियम हैं। पिछले प्रकरण को हमने जो पढ़ा था स्वर भेद वर्ण विचार के अंतर्गत, उसमें आपको मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि संधि प्रकरण में स्वर भेद का जो नियम है, जो रूल है, जो संधि या दीर्घ स्वर होते हैं उनके जो नियम है वो बहुत ही काम के सिद्ध होंगे, वो चीज़ आपको अब देखने को मिलेगी। तो आइए आज का अपना टॉपिक जो विषय है उसको शुरू करते हैं, संधि। संधि, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है योग या फिर जोड़। आपने सुना होगा कि मित्रता को भी संधि कहते हैं, यानी कि जोड़ना, योजन करना, किसी चीज़ का योग करना, यानी हड्डियों का जो योग होता है उसको भी संधि कहते हैं। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। और व्याकरण भाषा के अंतर्गत संधि का अगर हम भाव लें, संधि की परिभाषा लें, तो समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अर्थात संधि वह है जो वर्णों का जो समीपवर्ती मेल होता है, यानी दो वर्णों को या दो से अधिक जो वर्ण है, वर्णों का जो क्रम होता है या वर्णों को जब मिलाया जाता है तो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आप समझे परिवर्तन, यानी जो परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। तो इस प्रकार आपने समझा कि संधि क्या है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, जोड़ना। और इसकी परिभाषा अगर समझे तो वर्णों के जो समीपवर्ती वर्णों का जो मेल होता है उससे उत्पन्न जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, उसको ही संधि कहते हैं। संधि का विलोम अर्थ क्या होता है? संधि का विलोम, संधि का शाब्दिक अर्थ आपने समझा, आप संधि का विलोम समझिए। संधि का विलोम होता है विच्छेद, विच्छेद, विच्छिन्न करना, अलग अलग करना। संधि विच्छेद, विच्छेद का शाब्दिक अर्थ तो है अलग करना, विच्छिन्न करना। पर संधि विच्छेद, जैसे संधि की आपने परिभाषा समझी संधि को, उसी प्रकार विच्छेद क्या चीज है? तो संधि के नियमों द्वारा वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाना, संधि के नियमों द्वारा वर्णों को फिर से मूल अवस्था में लाना विच्छेद कहलाता है, या संधि विच्छेद कहलाता है। अब संधि भेद, संधि भेद, भेद माने प्रकार। संधि के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? तो संधि को मूलतः तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, सबसे पहले अपन समझे स्वर संधि को। स्वर संधि, स्वर संधि के पांच भेद हैं, पांच प्रकार है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और आयादि संधि। स्वर संधि के ये पांच भेद हैं। सबसे पहले हम स्वर संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि के अंतर्गत मुख्यतः तीन भेद है, स्वर व्यंजन विसर्ग। इनमें स्वर संधि के ही उपभेद भी है, तो उनको हम देखें। स्वर संधि में सबसे पहले तो ये जाने कि हम स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि स्वर आपके 11 होते हैं। कौन कौन से हैं? इन स्वरों के द्वारा ही स्वर संधि को आप समझेंगे।
ये जो 11 स्वर है, स्वर संधि के माध्यम से, यानी स्वर संधि के जो विभिन्न प्रकार हैं इनके माध्यम से इन स्वरों का मेल होगा और जो विकार उत्पन्न होगा वो संधि विच्छेद, वो संधि आप समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का शाब्दिक अर्थ होता है बड़ा। जैसे कि आपको बताया था स्वर भेद के अंतर्गत कि स्वर के जो भेद हैं उनमें एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संधि स्वर। वही संधि शब्द यहाँ पे आ रहा है, संधि स्वर। तो यहाँ पे भी संधि अपन पढ़ रहे हैं और स्वर संधि दीर्घ स्वर। तो स्वर संधि या संधि आपने पढ़ा था, संधि स्वरों में संधि स्वरों के भी भेद थे, एक था दीर्घ स्वर, दूसरा था संयुक्त स्वर। तो यहाँ पे हम दीर्घ स्वर ही पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? तो इसमें आ या आ प्लस आ या आ के योग से आ बनता है, आ बनता है। यानी कि जब दो वर्णों का मेल होगा तो प्लस के इधर या तो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, या प्लस के बाद में दोनों में से कौन सा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका जो परिणाम है, जो विकार उत्पन्न होगा वो आ होगा। ये सूत्र आपको बता रहा हूं मैं, ई आ ई प्लस ई आ ई से बड़ी ई दीर्घ। इसी प्रकार उ या उ प्लस के बाद उ या उ से ये दीर्घ हो जाएंगे। चाहे दोनों ही दीर्घ हो तो भी दीर्घ, दोनों ही लघु हो तो भी दीर्घ, या फिर लघु दीर्घ हो या फिर दीर्घ लघु हो तो भी दीर्घ। इस प्रकार से दीर्घ संधि के अंतर्गत ये होगा। उदाहरण हम देखें तो उदाहरण के अंतर्गत जैसे शताब्दी, शताब्दी, शताब्दी को संधि विच्छेद करें तो सत धन अब्धि। अब्धि का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ष यानी 100 वर्षों का जो समूह होता है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आ है प्लस के बाद भी आ है, तो आपने देखा आ प्लस आ यदि हो तो बड़ा आ में परिवर्तन होता है। इसको मैं आपको संधि युक्त करके बता रहा हूँ, ये संधि विच्छेद था, संधि संधि विच्छेद और फिर से संधि युक्त करना किस प्रकार किया जाता है। इधर क्या रहा, इधर स सत, क्योंकि आ हमने निकाल लिया है, इधर आ निकाल लिया है तो क्या बचा, अब्धि। आ इधर से भी निकाल लिया है तो आपका बचा, इस प्रकार बचा। अब इस आ को यहां पे योजन करेंगे, जोड़ेंगे हम तो क्या होगा, इस आ को इधर जोड़ दिया, शताब्दी। इस प्रकार आ वाला उदाहरण देखा आपने, आ से संबंधित, ई से संबंधित उदाहरण देखिए आप, ई से संबंधित उदाहरण में जैसे सतीश, सतीश संधि विच्छेद करें तो सत धन सती धन ईस, सती धन ईस संधि युक्त करें तो यहां पर ई है
प्लस दीर्घ ई है, दोनों को मिलाकर बनेगा बड़ी ई। अब क्या बचा इधर, सत प्लस श, बड़ी ई यहाँ पे लगाएंगे हम तो क्या बनेगा, सतीश। इस प्रकार से ई प्लस ई को देखें तो बड़ी ई में परिवर्तन होता है। उ को लेकर के उदाहरण देखें हम तो भानुदय शब्द है, भानुदय, भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, संधि युक्त करें, यहाँ पे उ है प्लस के इधर भी उ है, दोनों साइड उ होने से दीर्घ वाला योग बनता है तो बड़ा उ बनेगा। इधर क्या बचा आपका, भान, इधर बचा दय, बड़ा उ यहाँ पे लगाएंगे तो भानुदय। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि में स्वरों को दीर्घ कर दिया जाता है। इस संधि की पहचान है, जैसा कि नाम है इसका दीर्घ संधि, तो शब्द में दीर्घ मात्रा ही इसकी पहचान है, यानी कि बड़ी मात्राएं अगर आती है तो समझो कि उसमें दीर्घ संधि है। कहाँ पे, जहाँ से शब्द तोड़ा जाता है, जैसे शताब्दी है, सत प्लस अब्दि, यहाँ पे बड़ी मात्रा है इसकी पहचान है ये, इसी प्रकार ये है, यानी बड़ी मात्रा है इसकी पहचान है। आगे अगली जो हमारी संधि है, दीर्घ के बाद गुण संधि। गुण संधि जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि दो स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनेगा, यानी गुण उत्पन्न होगा, एक नया स्वर उभर के आएगा, एक नया विकार के तौर पर नया शब्द बनेगा, गुण संधि, गुण संधि। सूत्र है आ या आ, यानी अभी हम आ प्लस के इधर आ को लेकर के अभी हम चल रहे हैं, के बाद ई या ई होने पर ए बनता है। दूसरा आ या आ के बाद ऊ या ऊ होने पर ओ बनता है। तीसरा आ या आ के बाद ऋषि वर्ण होने पर अर बनता है। वृद्धि संधि, उदाहरण देखें हम तो शब्द है जैसे परमेश्वर, नरेंद्र, गजेंद्र। नरेंद्र देखें हम, नरेंद्र शब्द, नरेंद्र, नरेंद्र को जब संधि विच्छेद करें, नर प्लस इंद्र, संधि युक्त करना है हमें, तो यहाँ पे आ है प्लस के बाद ई है, आ और ई को मिलाकर क्या बनता है, आ ई से बनता है ए। क्या बचा यहाँ पे, नर, क्योंकि हमने आ निकाल लिया था, संधि युक्त करते हैं, इधर ई निकाल लिया था, बचा द्र, ए को हम लगाएंगे रामे, इंद्र है ना, नरेंद्र। इसी प्रकार ओ को लेकर हम उदाहरण देखें, किस प्रकार से ओ बनता है, आ प्लस उ, जैसे शब्द है विरोचित, विरोचित, वीर धन उचित, वीर धन उचित, यानी जो वीर को उचित हो, उसी प्रकार से संधि युक्त करें तो आ प्लस में है उ, आ और उ मिलाकर ओ बनता है।
फिर से लिखें तो यहाँ पे बचा वीर, रामेश्वर ने आ निकाल लिया था, इधर बचा चित। ओ को अगर यहाँ पे लगाएंगे हम तो वीरोचित। तीसरा उदाहरण अर वाला, राजऋषि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ये शब्द है। जैसे राजर्षि शब्द है, इसको संधि विच्छेद करें। राज धन ऋषि, अब इसको संधि युक्त करें, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आ है, प्लस के बाद री है, आ और री मिलकर के नियम के अनुसार अर बनना चाहिए, अर अर। फिर से लिखें राज, इसमें से आ हमने निकाल लिया था, इधर री निकला हुआ है तो सी लिखेंगे, सी। अब अर है, अर इसमें हम जोड़ देंगे अर, तो राजर है ना, राज इसमें जहाँ जोड़ दिया, राज ऋषि, राजर्षि। इस प्रकार से वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि गुण संधि में, गुण संधि में दो वर्णों के मेल से गुण के कारण एक नया स्वर निकल के आता है। इस प्रकार आपने दो संधियों के भेद पढ़े।